हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम ट्रायंगल्स की सेकंड वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि ए बी सी डी एक आपका एक स्क्वायर है और ए पी बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। तो प्रूव करना है कि ए पी डी कॉन्ग्रुएंस है पी बी सी के, बी पी सी के, और हमको डी पी सी के सारे एंगल्स पता करने। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप जानते हैं 90 होगा, क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर है। और ये आप जानते हो कि 60 होगा और ये पूरा 60 होगा, क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो एंगल पी ए डी कितना होगा? 90 प्लस 60 दैट बिकम्स 150। एंड एंगल पी बी सी कितना होगा? 90 प्लस 60 दैट बिकम्स 150। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब हम प्रूव करेंगे। अब कहेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी सी में क्या ए पी इक्वल टू बी पी? क्यों भाई? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 150। अभी हमने सॉल्व किया है। और फिर एंगल आपको आ जाता है, सॉरी एंगल नहीं, और अब आ जाती है तीसरी साइड, दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों ये है? क्योंकि ये क्या है? एक स्क्वायर है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। तो इस आधार पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल बी पी सी के। ये वाला पार्ट आपका प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब बारी आती है फाइंड द एंगल ऑफ डी पी सी। डी पी सी एंगल आपको बताना है, कैसे सॉल्व होगा आइए इसको भी देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आपका ए डी जो है, ए डी साइड इस साइड के बराबर है पी। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी जो है, ए पी जो है, पी बी, ये तीनों साइड आपस बराबर, जिसमें से ए बी जो हो जाती है वो स्क्वायर की साइड हो जाती है, जिसकी वजह से ए डी जो है वो ए पी के क्या है? बराबर है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। तो देखिए ए पी इज इक्वल टू ए डी है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम ये एंगल एक्स मान लें तो ये एंगल भी एक्स होगा। तो देखिए ट्रायंगल ए पी डी में क्या? एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 15। अब देखिए ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, क्यों? क्योंकि हमने पी बी सी और पी ए डी को कांग्रेस प्रूफ कर रखा है इस आधार पे। तो चलिए x बराबर 15 आ गया। अब ये पूरा एंगल ए पी बी कितना है? एंगल ए पी बी है आपका 60 डिग्री, जिसमें एक्स प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 60। तो उस आधार पे यहाँ से एक्स एक्स की वैल्यू तो पता चल गई हमें, तो डी पी सी आपका कितना निकलेगा? ये हो गया एक्स एक्स 30, तो एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बीच का एंगल आपने निकाल लिया, दैट बिकम्स 30 डिग्री। अब एक विशेष बात देखिए, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक्चुअली हम अगर इसे नीचे करेंगे तो ये डायग्राम गायब हो जाएगा, इसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को अगर हम गौर से देखें तो हमने इसको मान लिया वाई, तो इसे भी हम मान लेंगे वाई। तो लिखेंगे वाई प्लस बीच का एंगल कितना है आपका डी पी सी कितना है?
30 डिग्री, और वो हो जाएगा आपका तीनों का एंगल सब मिल के 180, 2y इज इक्वल टू 150 एंड y इज इक्वल टू 75। तो इस तरह से एक ये एंगल भी आप निकाल लिया, दूसरा एंगल भी 75। तो DPC के तीनों एंगल कौन से होंगे, एक एंगल हो गया आपका 75 डिग्री, दूसरा एंगल भी हो गया 75 डिग्री, और तीसरा कितना हो गया 30 डिग्री। ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता थी जो मैंने आपको अभी बताई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपको समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच।